में आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री, जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th हिस्ट्री का, उस पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 हमने रख दिए थे। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा वो क्लास 11th हिस्ट्री का है, और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है, इसका ये जो पार्ट 3 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वो है प्रथम मुद्रित पुस्तक, यानी कि पहली ऐसी बुक जो कि छपी हुई थी। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जब लेखन कला नहीं थी, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, लेखन कला आई, लेकिन कागज और ये प्रिंटिंग वाला सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था, पत्तों पे लिखते थे और पत्थरों पे अभिलेख के रूप में लिखते थे, हाथों से लिखी हुई किताबें होती थी। यानी किताबें, जब कागज वगैरह का आविष्कार भी हो गया था तो हाथों से किताबें लिखी जाती थी, जिसको हम पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे अलग अलग नामों से जानते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि छपाई तकनीक नहीं थी, और छपाई तकनीक नहीं थी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब आप सोचो कि अगर आप एक बुक लिखने बैठोगे तो आपको कितना समय लगेगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई छपाई तकनीक ही नहीं है तो। अगर आपके पास कोई छपाई तकनीक नहीं है तो कैसे लिखा जा सकता है, सोचो। हाथ से लिखने में उसमें चित्र बनाने होते हैं, लिखना होता है, बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। तो क्या ये सब पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितना ज्यादा, मतलब ये मुश्किल काम है। लेकिन क्या हुआ था कि जब छपाई तकनीक आ गई थी, यानी कि ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसके जरिए मतलब अब छपाई की जा सकती थी, इस तकनीक के आने के बाद बिल्कुल क्रांति आ गई। क्रांति ये हो गई कि अब विचारों को पुस्तकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना बहुत आसान हो चुका था। तो ये जो मुद्रण तकनीक थी, या फिर जिसे हम छपाई तकनीक बोलेंगे, इसके आने से बहुत सी सुविधाएं मिल गई, ठीक है, कई तरह की सुविधाएं हो गई। पहले क्या होता था कि दूसरे देशों के जो लोग थे वो महान कलाकारों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को, उनके चित्रों को, मूर्तियों को, भवनों को देखना अगर चाहते थे तो उनको इटली आना पड़ता था। लेकिन जब छपाई टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद से साहित्य के लिए उनको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। अब क्या है कि कोई चीज उन्हें देखनी है तो वो सारे के सारे पेज, यानी कि प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छे से छपे हुए सारे चित्र उसमें मिल जाएंगे एक बुक के अंदर, उनके बारे में सारी डिटेल बिल्कुल विस्तार से लिखी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई थी। अब वो अपने मतलब अपने देश में भी इन विदेशी पुस्तकों को पढ़ सकते थे और बहुत सारी जानकारी वो यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। अब इटली में लिखा गया साहित्य, यानी कि जो साहित्य, जो लिटरेचर इटली में लिखा जा रहा है, वो विदेशों में भी उपलब्ध होने लगा था। और 16वीं शताब्दी में आपको तो पता ही है कि क्रांतिकारी मुद्रण, जो ये टेक्नोलॉजी आ गई थी छपाई की, तो इससे क्या हुआ, दक्षता जो थी ये बढ़ गई थी, ठीक है, मतलब बहुत 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 बेहतर हो गया था सब कुछ। छपाई तकनीक के लिए यूरोपीय लोग जो थे वो चीनी और मंगोली लोगों के ऋणी है, यानी कि जो यूरोप के लोग थे उनको नहीं पता था इसके बारे में। ये जो इनकी शुरुआत जो हुई थी वो चाइना और मंगोल साइड से हुई थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो यूरोपीय लोग थे वो इनके दरबारों में जाते थे, चीनी और मंगोलियों के, वहां पे जाके इनको पता लगा कि एक ऐसी तकनीक है और ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए वो छाप सकते हैं, बुक बना सकते हैं, तब इनको पता लगा। तो फिर इन्होंने इन चीजों को अपनाया। इसीलिए यूरोपीय लोग जो हैं वो इनके हमेशा ऋणी रहेंगे, इनके कर्जदार रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी तकनीक पता लगी। इससे पहले कुछ ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां होती थी, यानी कि इससे पहले कुछ ग्रंथ होते थे उसकी हस्तलिखित प्रतियां, यानी कि मतलब उसकी जो कॉपियां होती थी वो हाथ से लिखी हुई होती थी। और आपको पता है, हाथ से लिखी हुई कॉपी और एक टाइप की हुई छापी हुई कॉपी, कितना ज्यादा फर्क होता है उसमें, ठीक है। हाथ से लिखने में हमें ना जाने कितने कितने दिन लग जाते हैं, जबकि वो चीज अगर छपी हुई मिल जाती है तो कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा छापी जा सकती है, इस चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा है। तो इसमें तो कोई समझने वाली, ना समझ आने वाली कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1455 में जो जोहानेस गुटनबर्ग, ये जर्मन मूल के थे, ठीक है, ये जोहेनेस गुटनबर्ग जो है ये जर्मन मूल के थे, इन्होंने क्या करा, छापे खाने बनाए, यानी कि छापे खाने की जगह हम इसको छपाई खाना भी बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब ये बुक्स वगैरह प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। और इन्होंने क्या करा, बाइबल की 150 कॉपियां छाप दी, यानी कि 150 सेट छाप दिए बाइबल के, 150 प्रतियां छाप दी इन्होंने बाइबल की। इतने समय में बाइबल की एक प्रति लिखने का समय लगता था। यानी कि देखो, कहने का मतलब ये है, जितनी देर में हाथ से एक बाइबल लिखी जाती थी उतने ही समय में इन्होंने 150 बाइबल जो थी वो छाप दी थी। तो अब आपको यहाँ से क्लियरली बिल्कुल अच्छे से अंदाजा लग चुका है कि छपाई तकनीक से कितना ज्यादा फायदा हो रहा था।
फिर क्या हुआ बच्चों की 15वीं शताब्दी में अनेक लातिनी ग्रंथ, ये भाषा होती है ठीक है, ग्रीक भाषा, लातिनी भाषा ठीक है, लैटिन भाषा, लैटिन को ही लातिनी कहते हैं। तो ये जो भाषा होती थी ये रोमन साम्राज्य में चलती थी ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब जो है पुस्तकें वो बिकने लगी हैं, यानी कि अब बुक बिकने लगी है, जिससे कि छात्रों को यानी कि जो स्टूडेंट है अब उनको केवल अध्यापक के नोट्स पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जो टीचर होता था वो पढ़ाता था, बच्चा उसको सुनता था, समझता था और लिखता था, यानी कि टीचर के द्वारा बनवाए गए जो नोट्स होते थे, उसके जो व्याख्यान होते थे, उसके जो लेक्चर होते थे, उसको बच्चे लिखकर अपने मतलब कॉपियों में रखते थे। लेकिन जब ये छपाई तकनीक आ गई तो उससे बुक बनी, और बुक बनने के बाद क्या हुआ, अब बच्चा उस बुक को भी पढ़ सकता है, यानी जो स्टूडेंट है अब उसके लिए बुक है, अब वो बुक पे निर्भर रह सकता है, खाली टीचर पे निर्भर रहने की उसको जरूरत नहीं है। अब विचार जो थे और जो मत थे और जो जानकारियां थी वो तेजी से प्रसारित होने लगी, यानी कि अब कोई भी बात है छाप दो और फैला दो तुरंत, कितना आसान हो गया था पहले के मुकाबले। अब जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर पुस्तक पढ़ सकता था, और लोगों में क्या हो रहा था कि अब लोगों में पढ़ने की आदत विकसित हो रही थी, अब वो एकांत में बैठकर पुस्तकों के द्वारा आसानी से पढ़ सकते थे, तो उनमें पढ़ने की आदत विकसित होने लगी थी। 15वीं शताब्दी में जो मानवतावादी संस्कृति जो थी, मानवतावादी संस्कृति, वो आल्प्स पर्वत के पार तेजी से फैलने लगी ठीक है। आल्प्स पर्वत जो था उसके उस पार भी ये तेजी से फैलने लगी, और मेन कारण जो था वो पुस्तक का वितरण था, क्योंकि अब जो था वो बुक छापी जा रही थी और अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, जिससे कि उनकी संस्कृति के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके नॉलेज जो भी चीजें हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। मनुष्य एक नई संकल्पना, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, इसे देखते हैं ध्यान से। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक ये भी था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। पहले आपको पता हो थोड़े टाइम पहले जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पादरी होते थे ठीक है चर्च के, वो क्या बोलते थे कि जो चर्च होती है वो चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में है, यानी कि बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में चर्च है, ऐसा कहते थे। लेकिन बाद में जब सौरमंडल की जानकारी हुई, वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारी खोज की, तब उन्हें पता लगा कि यार ये सारी चीजें तो गलत है, यानी कि ये जो बता रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र में है, ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें जो है ये झूठ है। तो उन्होंने इस चीज को बताया कि ये सारी चीजें झूठ है, तब फिर लोगों का थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन चीजों से विश्वास जो था वो उठने लगा था, और धर्म का जो नियंत्रण था वो थोड़ा कमजोर होने लगा था। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये लोग धर्म को मानते ही नहीं थे, आधार्मिक नहीं थे ये, धार्मिक तो थे लेकिन उसका जो नियंत्रण था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। इटली के जो निवासी थे, जैसे कि बात करता हूं मैं यहाँ पे, भौतिक संपत्ति, शक्ति, गौरव, इसमें ज्यादा आकर्षित थे, यानी कि वो चाहते थे कि उनके पास भौतिक संपत्ति हो, चाहे जमीन जायदाद हो, उनके पास पैसा हो, ये सारी चीजें उनके पास ठीक है, और उनके पास ताकत हो, गौरव हो, समाज में उनका सम्मान हो, इन चीजों के प्रति वो आकर्षित थे। वेनिस, वेनिस जो आपको पता है बहुत फेमस शहर था, वेनिस के मानवतावादी एक व्यक्ति थे, इनका नाम है फ्रेंचेस्को बरबारो, फ्रेंचेस्को बरबारो। इन्होंने क्या करा, अपनी पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ की। इन्होंने एक बुक लिखी और अपनी उस पुस्तिका में, अपनी उस बुक में, अपनी उस पुस्तक में इन्होंने ये कहा कि जो संपत्ति अधिग्रहण यानी जो संपत्ति पर जो कब्जा किया जाता है, जो उसको अधिग्रहित कर लिया जाता है, ये एक विशेष गुण है ठीक है, इसकी तारीफ की इन्होंने। लोरेंजो वल्ला, ये नाम थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे लेकिन आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी और थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेगी। लोरेंजो वर्ला ये ऐसा कहते थे कि इतिहास का अध्ययन, अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो मनुष्य को पूरी तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि इतिहास का अध्ययन जो है वो मनुष्य को पूरी तरीके से अपना जीवन जीने के लिए, अपनी जिंदगी सही से जीने के लिए इतिहास का अध्ययन हमको प्रेरित करता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम था ऑन प्लेजर। ऑन प्लेजर में इन्होंने भोग विलास पर लगाई ईसाई रोग की आलोचना की, यानी कि जो ईसाई होते थे, जो मतलब चर्च वगैरह के जो होते थे पादरी वगैरह ठीक है, ये लोग क्या करते थे, कुछ भोग विलास की चीजों पे रोक लगाते थे, उस चीजों का इन्होंने विरोध करा। भोग विलास मतलब क्या होता है, भोग विलास का मतलब होता है एक लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ ठीक है, लग्जरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं।
लग्जरी लाइफ में आएगा पैसा, ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड वाला रहन सहन, अच्छी जिंदगी, ठीक है, नौकर चाकर और भी बहुत सारी चीजें आती है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, इन सारी चीजों को समझो। तो ये भोग विलास जो चीजें थी ऑन प्लेजर बुक में उन्होंने लिखा था उसके बारे में, और उन्होंने ये भी कहा था इस पे, ये जो ईसाई रोक लगाई गई है ये चीज गलत है, इन्होंने ऐसा कहा था। इस समय लोगों ने अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी, लोग जो थे वो अच्छे व्यवहारों को सीखना चाहते थे, उसके प्रति मतलब इंटरेस्टेड रहते थे। जैसे कि बात थी कि विनम्रता से बोलना चाहिए, अच्छे विचार यही तो होते हैं कि हमें किसी से भी बोलना हो तो हम बहुत विनम्र होकर बोलेंगे, बहुत ही विनम्रता से बोलेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, तहजीब वाले कपड़े, सभ्य बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना, सभ्य बनना, ठीक है, समाज में, ताकि उसका नाम हो, ये सारी चीजें इस टाइम पे काफी यहाँ पे क्या हो रही थी, फेमस होती जा रही थी, लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट भी था। मानवतावाद का मतलब केवल ये नहीं था कि व्यक्ति सत्ता और दौलत के पीछे लालची होकर उसके पीछे भागे, बल्कि इसका मतलब एक ये भी था कि दूसरे तरीकों से भी जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा दौलत इस यही हमारी मतलब लाइफ को सही बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, समाज में सही से रहें, सम्मान से रहें, और जो भी चीजें हमें मिल रही है उससे हम संतुष्ट रहें, सेटिस्फाई रहें, कई तरह के हमारे माध्यम हो सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे, आगे चलते हैं, महिलाओं की आकांक्षाएं, ये भी हमारे लिए एक अच्छा टॉपिक है, महिलाओं की आकांक्षाएं। आपको पता है कि महिलाओं के साथ जैसा भारत में बर्ताव होता है ऐसे ही बर्ताव कुछ ना कुछ वहां पे भी था, महिला को ना समाज में उतना स्थान नहीं मिला हुआ था जितना कि पुरुषों को मिला हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अभिजात वर्ग जो होता था या संपन्न परिवार जो होते थे उसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता था, यानी जो फैमिली में जो मेल होता था, जो पुरुष होता था उसकी वैल्यू होती थी, उसका प्रभुत्व होता था, क्योंकि सारे जो फैसले होते थे, निर्णय होते थे घर परिवार के, वो पुरुष लेता था, और महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, अभिजात वर्ग की और संपन्न वर्ग की, ये दो चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है इससे अलग है, व्यापारी वर्ग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घर परिवार के मामले में जो निर्णय होते थे, फैसले होते थे, वो पुरुष लेता था, उसको अधिकार होता था। लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, इसलिए दी जाती थी क्योंकि आगे चल के उसको घर परिवार चलाना होता था। छोटे लड़के को अगर वो चाहे तो चर्च को सौंप देते थे ताकि वो धार्मिक कार्य वगैरह करें, सीखे बहुत सारी चीजों को। और दहेज लिया जाता था उस टाइम पे, दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, यानी कि जो दहेज में जो पैसा मिलता था, जो भी मतलब संपत्ति मिलती थी, उसको अपने कारोबार जो होता था उसमें लगा दिया जाता था, अपने काम काज में लगा दिया जाता था। महिला को अधिकार नहीं था कि वो पति के कारोबार में कोई राय दे, ठीक है, उसका पति कोई काम करता है, कोई कारोबार है उसका, महिला को कोई अधिकार नहीं है कि उसको कोई सलाह दे, ठीक है, जो करना है उस हस्बैंड को ही करना है, उस पति को करना है, उस मेल को करना है, जो लेडीज है उसको कोई सलाह देने का अधिकार नहीं था। अगर पर्याप्त दहेज ना मिले, मान लो कि शादी हो गई लेकिन बहुत ज्यादा दहेज नहीं मिला, तो शादीशुदा महिला को ईसाई मठ में नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था, मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता था, जा भाई वहां पे मठ में जा, वहां पे नन जैसी जिंदगी बितानी पड़ती थी। नन आप जानते हैं ना, महिला संत होती है जो, ठीक है, इस तरीके से। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति भिन्न थी, व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति जो थी वो भिन्न थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मैरिड वुमेन है उसको हम भेज रहे हैं, आपने लास्ट एक चैप्टर था वहां पे पढ़ा था कि जो शादीशुदा महिलाएं होती थी वो नन नहीं बनती थी, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो जैसे जैसे समय बीतता है ना, एक शताब्दी, दो शताब्दी, तो कुछ कुछ बदलाव भी होते जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज आज है वही हमेशा आज से 50 साल बाद भी रहेगी, या जो आज है आज से 50 साल पहले भी वो चीजें रही हो, थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्त्रियां जो थी वो दुकान चलाने में सहायता करती थी, जैसे मान लो कोई व्यापारी व्यक्ति है, उसकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, तो महिला जो है वो उसकी दुकान चलाने में उसकी सहायता करेगी, ये व्यापारियों में है। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है अभिजात वर्ग या फिर संपन्न परिवार, वहां पे महिलाओं को ये अधिकार नहीं थे। अगर मान लो उसका पति लंबे समय के लिए किसी दूर दराज के इलाके में चला जाता है किसी काम के सिलसिले में, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी उसका रीजन रहा हो, तो कारोबार जो थी वो पत्नियां संभाल सकती थी, ठीक है, वो संभाल सकती थी, उन चीजों को देख सकती थी महिलाएं। और यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, कुछ चीजें जो है यहाँ पे हमें समझनी है। देखो, अभिजात और संपन्न वर्ग परिवार जो थे उनमें ये चीजें नहीं थी, उसके अपोजिट व्यापारी परिवार जो थे, यहाँ पे व्यापारी की कम आयु में अगर मृत्यु हो जाती है, मान लो व्यापारी है उसकी शादी हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पत्नी है वो सार्वजनिक जीवन में, यानी अपनी लाइफ जो है उसमें,
बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी, यानी कि उसको मजबूर होना है अपनी जिंदगी उसी को चलानी है, जो भी मतलब वो कर सकती है वो करे, तो इस तरीके से उसे मजबूर होना पड़ता था। उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी, यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो दिमागी रूप से रचनात्मक थी। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव वुमेन। क्रिएटिव का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत जबरदस्त हो, वो मतलब कुछ ऐसी चीज बनाने की योग्यता रखता हो जो सबसे अलग है, यानी मतलब कुछ उसके अंदर हुनर है। इस टाइप की मतलब औरतें होती थी क्रिएटिव। और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में, संवेदनशील थी, ठीक है, इस जो ये एजुकेशन थी मानवतावादी शिक्षा, इसके प्रति संवेदनशील थी। फिर हुआ कि क्या कि ये जो वेनिस है, वेनिस निवासी एक कसांद्रा फेदेले थी, उन्होंने क्या लिखा कि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है ना किसी सम्मान का आश्वासन, फिर भी प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये कहना चाह रही है, चाह रहे हैं कसांद्रा फेदेले कि जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन तो वैसे ही कम दी जा रही है उनको, यहाँ पे उनको शिक्षा जो है ना तो कोई फायदा दे रही है, कोई पुरस्कार दे रही है, ना ही मतलब उनको कोई सम्मान मिलता है इससे, लेकिन फिर भी महिलाओं को क्या करना चाहिए, शिक्षा के प्रति अपनी इच्छा जरूर रखनी चाहिए कि मतलब उन्हें शिक्षित होना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीजों को सीखना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन को, शिक्षा को उन्हें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो वो ये भूल ही जाए कि भाई हम पढ़ाई हमारे बस की नहीं है, बल्कि उनको अपने अंदर इच्छा रखनी चाहिए कि अगर उनको मौका मिले तो वो जरूर पढ़े। वे उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन यानी बिल्कुल उसी समय इस विचारधारा को चुनौती दी कि मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है होता क्या था कि महिलाओं को तो शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। घर में अभी हमने पढ़ा ना कि जो लड़का होता है उसको शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उस टाइम पे ये एक लोगों की सोच थी, इस तरीके से मानते थे कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। वो ये कहते थे कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। उनका कहना था मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनका जो दिमाग में ना एक बेकार सोच थी, वो ऐसा सोचते थे मानवतावादी विद्वान। तो ये जो नाम था इनका कसांद्रा फेदेले, इन्होंने इस चीज को चुनौती दी, उन्होंने इस बात को चुनौती दी कि कौन जो विद्वान ये कहते हैं कि महिला किसी लेडीज में, किसी महिला में, किसी स्त्री में विद्वान के गुण नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक महिला भी एक पुरुष की तरह विद्वान हो सकती है, ठीक है, इस चीज को इन्होंने कहा। फेदेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। इनका जो नाम था ये विख्यात किस लिए था, क्योंकि ये जो थी यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। इनके रूप में इन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि इनको बुलाया गया ताकि आप यहाँ पे आओ और अपना भाषण दो, अपना लेक्चर दो। मतलब लोगों की सोच इन्होंने बदली कहीं ना कहीं, इन्होंने जैसे कि मतलब सोच चल रही थी ना लोगों के दिमाग में कि महिला को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, और अलग अलग तरह की चीजें सोचते थे, ठीक है, घर परिवार जो है वो आदमी ही चलाएगा, ऐसी जो सोच थी, इस चीज को चुनौती दी थी इन्होंने, इसीलिए इनको बुलाया गया था वहां पे लेक्चर के लिए। फिदेले की रचनाओं से एक बात सामने आ जाती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, एजुकेशन का बहुत महत्व था। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी, बहुत सारी वेनिस की लेखिकाएं थी उनमें से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, ठीक है। इन्होंने कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। और इस काल में एक अन्य प्रतिभाशाली महिला, देखो इन्होंने क्या करा, ये जो लेखिका थी इन्होंने वहां पे कई चीजों की आलोचनाएं की, और इसके बाद एक और महिला थी प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली वो होती है जिसके अंदर जबरदस्त टैलेंट हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो, हर चीज में मतलब जो आगे हो, वो प्रतिभाशाली महिला थी मंडुआ। इनका नाम थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये नाम ना आपको अजीब जरूर लगेंगे पर ये चीजें आपको याद रखना है। सॉरी सॉरी, नाम इनका ये है ईसा, ईसा बेला दी इस्ते, ईसा ईसा बेला द दी इस्ते। ये नाम थोड़े मतलब अटपटे हैं, आप क्या करें ऐसे जो अटपटे नाम आते हैं आप इसके बारे में ना थोड़ा जरूर लिख लिया करें। ये क्या थी, एक प्रतिभाशाली महिला थी, यानी कि बहुत नॉलेज वाली महिला थी। इन्होंने क्या करा, अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया, यानी कि इनका जो राज्य था मंटुआ, मंटुआ उस जगह का नाम था,
इनके पति जब नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने वहां पे शासन किया। यद्यपि मंटुआ जो था एक छोटा सा राज्य था, यानी कि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटा सा था, लेकिन फिर भी उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। कि बहुत मतलब बौद्धिक प्रतिभा का मतलब है कि वहां पे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे उसके राज दरबार में, एक से बढ़कर एक लोग थे, ठीक है, जो बुद्धिमान थे, नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे, ऐसे लोग थे, इनके लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, समाज में जो ज्यादा वैल्यू दी जाती है वो मेल को दी जाती है, जो फीमेल होती है, जो लेडीज होती है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन ये कहा गया था कि अगर पुरुष प्रधान समाज में महिला अपनी पहचान बनाना चाहे तो उसको आर्थिक स्वायत्तता देनी चाहिए, आर्थिक अधिकार देने चाहिए, विशेष अधिकार, संपत्ति मिलनी चाहिए, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी कि उसको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब उसे एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तब जाके वो पुरुष प्रधान समाज में कुछ बन पाएगी, कुछ चुनौती दे पाएगी किसी को। तो ये थे बच्चों हमारे यहाँ से मेन पॉइंट। लगभग मैंने आपको समरी टाइप में सारी चीजें बताई है जो जो इंपॉर्टेंट है। आपको जरा भी दिक्कत आए अगर टॉपिक में तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दिया करें। जैसे जैसे व्यूज वगैरह बढ़ते जाएंगे तो हम आपके लिए आगे से सारी वीडियोस लाते जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम ही बच्चे देख रहे हैं। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर जरूर करें, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ताकि सभी तक हमारी जो मेहनत है वो पहुंच जाए, सभी मिलकर मतलब मेहनत कर पाए, अच्छे से कुछ कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।